नमस्कार, मैं काजल शर्मा एनबीएससी न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए एक नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा के आरोपों के बाद जयपुर में गणपति प्लाजा के लॉकर की जांच जारी है। इनमें से एक लॉकर में इनकम टैक्स के अधिकारियों को 2,46,00,000 रुपए मिले। अधिकारियों ने बताया कि पूरा लॉकर 500 के नोटों से भरा था। उन्हें अंदेशा है कि और भी लॉकरों से बहुत सारा पैसा मिल सकता है। इनकम टैक्स 761 लॉकर की जांच कर चुका है, अब केवल 339 लॉकर की जांच करना बाकी है। इन लॉकर्स में अधिकांश लॉकर बेनामी बताए जा रहे हैं। जिन दस्तावेजों के आधार पर लॉकर लिए गए हैं वे फर्जी निकल रहे हैं। इनकम टैक्स की टीम ऐसे लॉकर्स की लिस्ट बना रही है। गणपति प्लाजा के अंडरग्राउंड में बने लॉकर्स, यहाँ कुल 1100 लॉकर हैं। बता दें कि मंगलवार को जब इनकम टैक्स ने 3 लॉकर खोले थे, उनमें 1.25 करोड़ रुपए कैश और 1 किलो गोल्ड निकला था। यह सोना कार्तिक फुलवाल और इदरीश हसन के नाम पर था। अभी तक इनकी कोई जानकारी इनकम टैक्स की ओर से साझा नहीं की गई है। 2 लॉकर शनिवार को भी खोले गए, इनमें प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। इन दस्तावेजों के आधार पर लॉकर मालिक तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं एक लॉकर में करीब 2.5 करोड़ कैश मिला है। कुछ लॉकर ऐसे हैं जिनका नाम और पता मिसमैच हो रहा है। जानकारी अनुसार कुछ लॉकर ऐसे भी मिले हैं जिनके मालिक का नाम और पता मिल ही नहीं रहा है। जिस नाम से लॉकर खोला गया वह नाम अस्तित्व में है ही नहीं। जो पता लिखा गया है वहां पर व्यक्ति रहता ही नहीं। इनकम टैक्स को ऐसे ही लॉकर की जांच करने में समय लग रहा है। इनकम टैक्स के अधिकारियों का कहना है कि जब तक सारे लॉकर ऑनर आकर अपना लॉकर नहीं खोल देते, जांच जारी रहेगी। दरअसल गणपति प्लाजा के अंडरग्राउंड में लॉकर्स बने हैं, यहां कुल 1100 लॉकर हैं। और अधिक जानकारी में खबरों के लिए बने रहिएगा एनबीएससी न्यूज में। नमस्कार।